देश के सबसे पुराने शहरों में शुमार वाराणसी यानी कि काशी के बीचों बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है। इस अभियान का नेतृत्व पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कर रहे हैं। ये वो शख्स है जो समय की रेत के नीचे छिपे रहस्यों और खोए हुए खजानों को उजागर करने का हुनर रखते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि आखिर ज्ञानवापी के सर्वे को लीड करने की जिम्मेदारी आलोक त्रिपाठी को ही क्यों मिली, किसी और को भी मिल सकती थी? अगर उठे हैं तो आइए उसका जवाब आज की इस रिपोर्ट में आपको देते हैं। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे की टीम का नेतृत्व कर रहे ASI के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग्स के उत्खनन और सर्वेक्षण में विशेषज्ञता हासिल है। उन्हें लक्षद्वीप के बांगरम आइलैंड के समुद्र में प्रिंसेस रॉयल जहाज के अवशेष ढूंढने में सफलता मिली थी। डॉक्टर त्रिपाठी इस समय ASI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर भी कार्यरत हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्य की सराहना बड़े स्तर पर हो चुकी है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने असम यूनिवर्सिटी सिलचर में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी। वहां वो इतिहास विभाग में प्रोफेसर थे। डॉक्टर आलोक को 3 साल के लिए ASI का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्राचीन गुफाओं के रास्ते होने वाले व्यवसाय के बारे में भी खास रिसर्च किया है। वो इतिहास के जाने माने प्रोफेसर के रूप में पहचाने जाते हैं। बता दें कि डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को बचपन से ही आर्कियोलॉजिस्ट बनने का शौक था। उन्हें पुरानी चीजों के बारे में जानने और उस पर शोध करने का ऐसा शौक हुआ कि इतिहास का प्रोफेसर होने के बाद भी वो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट से जुड़े रहे। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं उस समय से पुरातत्वविद बनना चाहता था जब 4th कक्षा में था। तमिलनाडु के मामल्लापुरम तट पर सुनामी के बाद प्राचीन मंदिरों के अवशेष उभरे थे। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ASI की टीम ने इसका सर्वे किया था। वो कहते हैं, समुद्र में कई राज छिपे हैं जो हमें उस युग के बारे में बताते हैं। भारत का समुद्र पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध है। उनका मानना है कि यहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है। तमिलनाडु के मामल्लापुरम और अरिकामेडु, गुजरात के द्वारका, महाराष्ट्र के एलिफेंटा और कई अन्य स्थलों पर उन्होंने रिसर्च का काम किया है। उन्होंने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर ज्ञानवापी सर्वे की बात करें तो किसी ऐतिहासिक स्थल के सर्वे की अहम भूमिका का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि बीते दिनों राम मंदिर का फैसला भी सर्वे के आधार पर दिया गया था, जिसे मानने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बाध्य थे। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में इन सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और खास तौर पर आलोक त्रिपाठी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें VK News। VK News, राष्ट्र के नाम।